Good morning, all dear students. Today we are going to discuss about chapter number 10, geography. Life in the tropical and subtropical region. देखो tropical पहले ये जो जगह है tropical region और subtropical region इसका बारे में पहले discuss करना है कि कौन सा जगह exactly tropical region में आता है, कौन सा जगह subtropical zone और subtropical region में include किया जाता है. कौन से जगह में ट्रॉपिकल जोन है, कौन से जगह में सब ट्रॉपिकल जोन है. ट्रॉपिकल जोन कौन से जगह है पहले बताना है. ये जगह देखो इक्वेटर जो है तुम लोग को पहले बताया था, ये जो अर्थ का शेप है, अर्थ का जो शेप है सर्कुलर शेप है, इसका मिडिल में क्या है इक्वेटर, जिसका एंगल है 0 डिग्री. तो यहाँ से देखिए ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जगह का देखो बोर्ड को, इसका मिडिल में क्या है 0 डिग्री. ट्रॉपिकल मतलब 0 to 23 डिग्री, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, यहाँ पर 23 में नहीं जा रहा हूँ मैं, 20 डिग्री तक, 0 to 20 डिग्री, यहाँ पर क्या है 20 डिग्री नॉर्थ और यहाँ पर क्या है 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड. ये जो जगह है 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर, बोथ हेमिस्फीयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में, इसका जो एग्जैक्टली एरिया है जगह है इसको बोला जाता है 0 डिग्री टू 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड 0 डिग्री टू 20 डिग्री साउथ ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर. ये जो पर्टिकुलर जोन है इसको ट्रॉपिकल जोन बोला जाता है. इसको क्या बोला जाता है ट्रॉपिकल जोन. ये जगह तुम लोग नाम याद रखो. उसके बाद इस जगह में कौन सा क्लाइमेटिक कंडीशन है सब बता रहा हूँ. अब सब ट्रॉपिकल एरिया, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल. सब ट्रॉपिकल कौन सा है 20 to 30 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री क्या नॉर्थ क्या है नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, 20 डिग्री टू 30 डिग्री, दिस 20 डिग्री टू 30 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ ऑफ द हेमिस्फीयर, इन बोथ हेमिस्फीयर 20 डिग्री टू 30 डिग्री लैटिट्यूड. यहाँ पर जो 20 डिग्री मतलब 20 से 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड 20 to 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड साउदर्न हेमिस्फीयर. ये जो जगह है इसको बोला जाता है सब ट्रॉपिकल जोन, दैट इज ट्रॉपिकल एंड दैट इज सब ट्रॉपिकल जोन. क्लियर. जगह ऊपर में है नॉर्थ पोल, नीचे में है साउथ पोल. उसके बाद इस जगह में कौन सा क्लाइमेटिक कंडीशन है सब देखो. द सब ट्रॉपिकल रीजन इज सिचुएटेड इन 20 डिग्री एंड 30 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ हेमिस्फीयर. द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन लाइज इन दिस रीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. सब ट्रॉपिकल रीजन जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन जो है जहाँ पर इक्वेटर क्रॉस किया है पर्टिकुलरली इस जगह में आएगा. यहाँ पर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रीजन इंडिया का जो है वो सब ट्रॉपिकल रीजन में लोकेटेड है. और ट्रॉपिकल रीजन में क्या लोकेटेड है, ट्रॉपिकल रीजन में द अमेजन बेसिन लाइज इन द इन दिस बेल्ट. अमेजन बेसिन जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में लोकेटेड है. लेट्स लर्न मोर अबाउट द अमेजन एंड गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. अब तुम लोग को ये जो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन है एरिया है वहाँ पर उसका मेन जगह मेरा एक्टिविटीज में कौन कौन सा लोकेटेड पार्ट है अमेजन बेसिन है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. अमेजन बेसिन जो है वो कहाँ पर है, अमेजन बेसिन कौन सा जगह है बोलो, साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका में अमेजन लोकेटेड है और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है वो इंडिया में लोकेटेड है. गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है इंडिया में लोकेटेड और साउथ अमेरिका में है अमेजन, अमेजन बेसिन जो है वो साउथ अमेरिका में. देखो फर्स्ट अमेजन बेसिन का डिस्कस किया गया. द
अमेजोन बेसिन इज ऑल्सो कॉल्ड द अमेजोनिया। अमेजोन बेसिन जो है उसको अमेजोनिया बोला जाता है। पर्टिकुलरली अमेजोन बेसिन को क्या नाम है उसका? अमेजोन बेसिन जो है उसको बोला जाता है अमेजोनिया। इज सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न ट्रॉपिकल रीजन ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का नॉर्दर्न ट्रॉपिकल रीजन है, नॉर्थ ट्रॉपिकल जोन है, वहाँ पर अमेजन बेसिन लोकेटेड है। कहाँ पर? नॉर्थ ट्रॉपिकल रीजन। साउथ अमेरिका का जो पार्ट है वहाँ पर नॉर्दर्न ट्रॉपिकल रीजन ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका का जो नॉर्दर्न ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पर अमेजन बेसिन लोकेटेड है। On the either the are the either sides of the equator extending between 50 degree north and 15 degree north and 15 degree south latitude. जो इक्वेटर से 15 डिग्री नॉर्थ टू 15 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में से जिसका टोटल एरिया है, इक्वेटर से 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में, इक्वेटर से 15 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में से ये जगह बट लोकेटेड है। द बुनिया हाईलैंड्स इन द नॉर्थ एंड द ब्राजीलियन हाईलैंड्स इन द साउथ सराउंड द अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन के सराउंडिंग पार्ट में क्या है? बुनिया हाईलैंड्स है और ब्राजीलियन हाईलैंड्स जो है, टू इम्पोर्टेंट हाईलैंड्स आर लोकेटेड हियर। यहाँ पर टू इम्पोर्टेंट हाईलैंड्स है, जो बुनियन हाईलैंड्स है और ब्राजीलियन हाईलैंड्स है साउथ, इसका सराउंडिंग एरिया में, इसका अमेजन बेसिन का। ब्राजील जो है, ब्राजील वो अमेजन बेसिन में ही, उसका एक सराउंडिंग एरिया में ब्राजील भी लोकेटेड है। अमेजन रिवर दैट फ्लो थ्रू दिस बेसिन ओरिजिनेट्स इन द अंदीज माउंटेन। अंदीज माउंटेन से ओरिजिन होके ये अमेजन बेसिन में से अमेजन रिवर क्या हुआ है? फ्लो हुआ है। अमेजन रिवर जो है इसी जगह से फ्लो हुआ है। कौन सा माउंटेन से ओरिजिन होके? अंदीज माउंटेन जो है, अंदीज माउंटेन से इसका ओरिजिन होके इस एरिया में अमेजन रिवर क्रॉस किया। इन पेरू, पेरू से लेके फ्लो इन टू द अटलांटिक ओशन। पेरू, पेरू के पेरू जो एरिया है कंट्री से, वहाँ से होके वो अटलांटिक ओशन में जाके मीट किया है अमेजन रिवर। तो इसका जो रिवर चैनल है इसको याद रखो, अमेजन रिवर दैट फ्लो थ्रू द बेसिन ओरिजिनेट्स द अंदीज माउंटेन। अंदीज माउंटेन से ओरिजिन होके अमेजन बेसिन से ये क्रॉस किया है अमेजन रिवर जो है। कहाँ से, कहाँ तक क्रॉस किया है? पेरू होके अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन में जाके ये कोवालेंस हुआ है, अटलांटिक ओशियन में जाके मीट किया है। टोटल डिस्टेंस है 6400 किलोमीटर। अमेजन रिवर जो है उसका टोटल डिस्टेंस कितना है ये जगह याद रखो, लेंथ भी बोल सकते हो, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर जो है वो लेंथ है अमेजन रिवर का। अमेजन रिवर का लेंथ जो है वो कितना है? 6400 किलोमीटर, जो पेरू होके मतलब अंदीज माउंटेन से ओरिजिन होगा है और कहाँ पर जाके मीट किया है? ये अटलांटिक ओशियन में जाके मीट किया है अमेजन रिवर, अटलांटिक ओशियन में जाके मतलब मीट किया है। इट इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है अमेजन रिवर जो है वो, वर्ल्ड का सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। द रिवर एलोंग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज, इसका बहुत सारा ट्रिब्यूटरीज है, ट्रिब्यूटरीज भी है, फॉर्म्स द अमेजन बेसिन एंड ड्रेन्स एरिया इन ब्राजील। यहाँ पर जो अमेजन बेसिन में इसका ट्रिब्यूटरीज देखा जाता है, और वो कहाँ पर है? तो ब्राजील में है। देखो, ब्राजील, बोलीविया, पेरू, इक्वेडर, कोलंबिया एंड वेनेजुएला, ये सब कितना कंट्रीज है? ब्राजील, बोलीविया, पेरू, इक्वेडर, कोलंबिया एंड वेनेजुएला, ये सारे कंट्रीज के ऊपर से मूव किया है अमेजन जो रिवर है वो मूव किया है, ये सब कंट्रीज के ऊपर से। द अमेजन इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर है अमेजन रिवर जो है वो, वर्ल्ड का टोटल जो हमारा वर्ल्ड है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवर है अमेजन रिवर। इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट कैरीज द एंटायर रिवर बेसिन स्वेल वेल ओवर एंड द एरिया ऑफ द 7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसका जो रिवर बेसिन है, इसका जो फ्लोनेस है, जो जगह से ये क्रॉस किया है वो है 7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसका लेंथ, इसका याद रखो, 7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में से ये क्रॉस किया है, इसका लेंथ है टोटल रिवर का। सेवन मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। द अमेजन
lowland east of the Andes mountain constitute the world largest tropical rainforest. Amazon जो रेन माने मतलब एरिया है, रिवर है उसकी, जो बुक किया है, क्रॉस किया है, यहाँ पर अंदीज माउंटेन है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है. द गुनिया हाईलैंड्स आर द सीरीज ऑफ द माउंटेन दैट द नॉर्थ आर पार्ट ऑफ द अमेजन बेसिन. अमेजन बेसिन का नॉर्दर्न पार्ट में है गुनिया माउंटेन, राइट. Then I will discuss the climatic conditions of Amazon Basin of tomorrow. Thank you.